बाद में भाई बहन के प्यार और विश्वास के मजबूत रिश्ते का एक ताजा उदाहरण सामने आया, जिसमें बहन ने भाई को राखी से ठीक 2 दिन पहले अपनी किडनी देकर भाई की जान बचाई। यूं तो देश में राखी और भाई बहन के प्यार के अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से लेकर सिकंदर की पत्नी की ओर से पोरस को भेजी गई राखी भी शामिल है। लेकिन उस जमाने में ही इस तरह के रिश्ते की मिसाल ही नहीं देखने को मिलती थी। आज भी भाई बहन एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण का भाव साफ तौर पर दिखाई देता है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई। फरीदाबाद की रहने वाली महिला रूपा, जिसने अपने भाई को राखी पर उपहार देने की बजाय भाई की जान बचाकर उसे सबसे बड़ा तोहफा दिया, जो कि किडनी की बीमारी से जूझ रहा था। बहन ने भाई को राखी से ठीक 2 दिन पहले अपनी किडनी देकर भाई की जान बचाई है। बहन से किडनी लेने वाले ललित कुमार ने बताया कि जनवरी 2023 में उन्हें परेशानी शुरू हुई। जब चेकअप कराया तो पता चला कि उनका क्रिएटिनिन 12 से ज्यादा था। उसके बाद उनका डायलिसिस शुरू हो गया। ललित कुमार के मुताबिक उनकी बहन भी फरीदाबाद में ही रहती हैं। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने खुद से आगे आकर कहा कि भाई मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ। ललित कुमार के मुताबिक उन्होंने मना भी किया, लेकिन बहन ने कुछ नहीं सुना। मुझे पता चला मेरा क्रिएटिन 12.7 है। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर से सलाह ली, जिन्होंने मुझे बताया कि आपकी किडनियों में दिक्कत है। ये मेरे को 2023 14 जनवरी को पता चला। एक साल से मैं डायलिसिस पे चल रहा था, फिर मेरे को मेरी बहन ने हिम्मत बंधाई, फिर मेरे को किडनी मैंने ट्रांसप्लांट कराई। ये मेरे को बहन ने मेरे को जीवन दान दिया। इस बारे में ललित कुमार की बहन रूपा से जब बात की गई तो वो बेहद ही खुश नजर आई। उन्हें खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने छोटे भाई की जान बचाई है। रूपा ने बताया कि उन्होंने खुद ही भाई को अपनी किडनी देने के लिए तैयारी की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से उनकी बहन के जीवन में कोई परेशानी हो। रूपा से जब पूछा गया कि क्या उनके परिवार में किसी ने इस बात को लेकर एतराज जताया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति की मौत हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन किसी ने भी मुझे इस काम को करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि राखी के मौके पर भाई की जान बचाकर वह खुश हैं। मुझे तो एक दिन पहले ही पता लगा, दूसरे दिन मैंने कह दिया था भाई किडनी की प्रॉब्लम है तो मैं दूंगी, बेफिक्र रहना। वो यही थोड़ा घबरा रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा मैं तैयार हूँ, जब मैंने मुंह से वादा करा है तो पूरा करूँगी। अपनी अपनी खुशी से दी है मैंने। पति तो नहीं है, बच्चों ने कह दिया हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा। हाँ, पति नहीं है तो बच्चों ने कोई वो नहीं करा, इंटरव्यू हो गया था बच्चों का यहाँ पर। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं, हम अपनी मम्मी को देखभाल करेंगे। फिर मेरी हिम्मत और भी बंद गई, बस मेरा भाई सलामत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सब खुश हैं। बच्चे तो कह रहे थे देख लो बुआ आप भी अपनी है। मैंने कहा ना बेटा, मैंने जब वादा करा निभाऊंगी, बस उससे ज़्यादा मैंने कोई बात नहीं करी। ये घटना सिर्फ एक घटना मात्र नहीं है, ये हमें बताती है कि अगर रिश्ता मजबूत है तो कोई भी मुश्किल आसानी से पार की जा सकती है। और रूपा और ललित जैसे लोग रिश्तों में पल रही दूरियों को नई शुरुआत करने की प्रेरणा देते हैं। फरीदाबाद से अनिल बंगला, टोटल न्यूज़।